आपका स्वागत करते हैं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। दोस्तों आज की जो ताज़ा अपडेट है वो इस वीडियो के माध्यम से वीडियो में आगे बढ़ी। इससे पहले इस चैनल पर आप हमारे नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को आइकन को दबा दें, जिससे हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो और हमारे द्वारा किया गया प्रयास सबसे पहले आपके पास पहुँचे। भूपेन यादव का आज बड़ा बयान है, सेकेंड ग्रेड नर्सिंग व अन्य भर्ती को लेकर आप दे सकते हो। नर्सिंग पंचायती राज भर्ती 2013 को उन्होंने मेहोदय जी 2013 एनएम जेएनएम के और पंचायती राज एलडीसी अभ्यर्थियों का भविष्य आपके हाथों में, कृपया इनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द नियुक्ति दिलवाने की कृपा करें। और ये देख सकते हो भर्तियों के लिए बेरोजगार अनशन पर बैठे, हालत बिगड़ने पर भर्ती नहीं किया तो एसएमएस के बाद ही धरना शुरू। इस प्रकार की उन्होंने साथ में ये फोटो लगाई है उपेन जी ने अपने ट्वीट हैंडल पर। और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की लगातार कॉल रिक्वायरमेंट आ रहे थे, तो दोस्तों वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। आज समय के अभाव में नंबर नहीं आया, आज नंबर नहीं आने में किसी की लापरवाही नहीं है, ये कानूनी प्रक्रिया का भाग है। और आरपीसी एडवोकेट ने केस मेंशन करवा कर 13 अगस्त की तारीख ली है और 13 अगस्त को आप लोगों को मिल जाएगी खुशखबरी, क्योंकि आरपीसी ने जो भी भूतपूर्व सैनिकों के जितने भी रिजल्ट थे वो रिजल्ट निकाल दिए और आपको जल्दी खुशखबरी मिलेगी। और ये आप देख सकते हो साक्षात्कार हटाओ के लिए नई शिक्षा नीति में शिक्षक भर्तियों में इंटरव्यू के लिए इन्होंने जो ये साथ में लगाया इन्होंने उपेन जी ने अपने ट्वीट में। एक बार फिर हुआ पूर्ण विचार, मोटर वाहन उप निरीक्षक भर्ती 2020 की परीक्षा आरपीसी के बजाय अधीनस्थ बोर्ड करा सकता है और भर्ती में साक्षात्कार हो सकता है खत्म। नियम संशोधन की वजह से भी में लग रहा है थोड़ा समय। दोस्तों आप मोटर वाहन की बहुत ही शानदार वैकेंसी है, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अब ये बोर्ड ही कराएगा। इस प्रकार की ताज़ा अपडेट और ये आप दे सकते हो। इसके साथ एक और जस्ट अभी लेटेस्ट एन भर्ती एनटीटी भर्ती हो 2018, फायर ड्राइवर भर्ती 2015, रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन भर्ती 2020 का परिणाम जल्द से जल्द जारी किया जाए। एलडीसी भर्ती 2018 में जो 583 पद है उनको लेकर उपेन्द्र जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर प्रयोगशाला सहायक की एक और सूची जारी की जाए, महिला सुपरवाइजर भर्ती के नियुक्ति आदेश जारी की जाए, ये उन्होंने इसके साथ ही एक ये जो ये भी लगाया है इसमें भर्तियों के लिए बेरोजगार अनशन पर बैठे, हालत बिगड़ने में भर्ती नहीं किया, इसमें इन्होंने क्या क्या मांगे रखी है ये आप देख सकते हो। प्रमुख रूप से कौन सी मांगे हैं, ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 लेवल 2 की एक और सूची जारी की जाए, हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है राजस्थान की भर्तियों को बाहरी कोटा को खत्म किया जाए, नई भर्तियाँ निकल ली जाए। एनएम भर्ती और एलडीसी भर्ती में 583 पंचायती राज भर्तियों का नियुक्ति कैलेंडर है वो जारी किया जाए। इस प्रकार की ताज़ा अपडेट है और मिलते हैं जल्द ही नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।